आज ज्यादा जगने नहीं वाला मैं, बिकॉज मेरा सुबह मतलब सुबह से ही सर भी दुख रहा है अभी, मतलब जब से उठा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पता है ना, न्यूमेरिकल डे है। हमारे कल करना है। हाँ सर, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ KC1 एंड KC2 आर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट T1 एंड T2 T2। एक्सोथर्मिक बोला है, ठीक है। मतलब एक्सोथर्मिक बोला है तो अगर क्या रिलेशनशिप था, इन्वर्स था देन एक्सोथर्मिक का, ऑन इन्वर्स था। यस इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ, विच रिलेशन इज करेक्ट? रिया टी। अच्छा सर, T2 ग्रेटर देन T1 है ना। हाँ, हाँ देखो यहाँ पे ऑप्शन है। एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ KC1 एंड KC2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होगा अगर T2 ग्रेटर देन T1 हुआ, मतलब KC लेस देन KC1 हुआ, मतलब KC1 ग्रेटर देन KC2 होगा सर। KC1 ग्रेटर देन KC2 KC2, कैसे पता चला? सर कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हाँ, तो KC1 इज ग्रेटर देन KC2। सर वो टिक पूरा मार दो रिलीज सर उधर, या KC1 KC2 वाले सेकंड ऑप्शन पे। हाँ और कुछ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। देखो यहाँ पे सर, एक्स्ट्रा T2 ग्रेटर देन T1। अभी ना, कुछ दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ ना आदि तुमको, हाँ सर, पढ़ाते पढ़ाते है ना मेरी आंखों से पानी आ रहा है। सर ये स्क्रीन का बहुत एक्सपोजर हो रहा है इसके लिए। ऐसा है क्या? हाँ सर, क्या मेरे साथ स्पेक्स वेक्स तो पहले था मेरे को, लेकिन फिर धीरे 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 मैंने स्पेक्स कम कर दिया। अरे सर, बट ज्यादा ऐसा देखते हैं ना, लाइक स्क्रीन का ये सब तो होता है। मतलब मेरा भी ऐसे पहले होता था, जब है ना ऐसे समर हॉलीडेज रहता था ना, तो तभी PS4 और ये सब बहुत चलता था ना मेरा, तो सर मेरे आँख से भी पानी आता था बहुत। बाद में ना मैं ना छोड़ ही दिया, मतलब ऐसा स्क्रीन के तरफ देखा भी नहीं ज़्यादा, तो बाद में जाके थोड़ा ठीक हुआ, और आजकल नहीं आता है। बट वही है सर कि स्क्रीन पे आप यूजुअली इतना ज़्यादा पहले नहीं देखते होगे ना, एंड अभी लॉकडाउन के अंदर इंक्रीज़ हो गया। बिल्कुल नहीं, हाँ अभी बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल के नहीं। अंदर इंक्रीज़ हो गया, तो लेकिन ये आदि ऐसा पॉइंट। लग रहा है ना, अभी शायद सब खुलने वाला है। हाँ ऐसा बोल रहे हैं वो, बट सर एक और है कि ये जो ऐसा नोटिस भी दिया है कि ये सब जो खुलेगा ना, तो है ना इसके अंदर बहुत कॉशियस एंड ये सब रहना पड़ेगा। एंड सर आपको पता है अभी चाइना के अंदर है ना केसेस आने लग गए वापस से, बट एकदम ज्यादा ज्यादा नंबर में। बाकी जो सबने, डेल्ट सबको उसने वैक्सीनेट कर दिया होगा। नहीं सर, बट उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड हुआ अभी कल या फिर आज ही। न्यूज़ में दिखा रहा था क्या? हाँ,
उधर भी बढ़ रहा अभी। एंड सर अपने इंडिया के अंदर मतलब कितना सारा वेरिएंट्स है, अल्फा है, बीटा अल्फा है, बीटा गामा डेल्टा है और एक लैम्डा वेरिएंट है। और एक आ गया हाँ चार है टोटल। और बाद में सबसे मैंने ये डेंजरस। मोस्टली सर डेल्टा एंड बीट डेल्टा एंड लैम्डा का ऐसे है ना सर, सॉरी अल्फा बीटा डेल्टा एंड लैम्डा तो है ना सर, शायद से डेल्टा है ना वो बस स्प्रेडिंग फास्ट है उसका, एंड देन बाकी के तीन है ना वो लोग इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं और वो इम्यून सिस्टम से छुपे रहते हैं, ऐसा कुछ है शायद से। कंसिडर ए रिएक्शन ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी डेल्टा एच इज इक्वल टू +27 + 6 किलो कैल पर मोल इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। एंड सर अभी है ना मतलब डेल्टा वेरिएंट है ना हर जगह ऐसा क्या बोलते हैं बढ़ रहा है, एंड जो लैम्डा वेरिएंट है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मतलब वो है ना मतलब 30 कंट्रीज के आसपास कुछ मिल रहा है, मतलब मिल रहा है क्या मतलब मिल दिखाई देता है जो भी, एंड वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कंसिडर अ रिएक्शन ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी डेल्टा एच एंडोथर्मिक है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट 27 डिग्री सेल्सियस पे इतना है देन हाँ सर कैलकुलेट तो हाँ एक मिनट हाँ देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओके, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट 27 डिग्री सेल्सियस इज इतना, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। फॉर द सेम रिएक्शन एट -27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो पहले क्या किया है अपने को डेल्टा एच दे दिया एंडोथर्म के बराबर हाँ सर और एक K1 का वैल्यू दे दिया और एक K2 पूछा हाँ सर तो सर वो log K1 नहीं log K2 - K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1/T1 राइट माइनस 1/T2। अभी T1 है ना सर अपना 300 होएगा एंड T2 है ना सर 600 होएगा, तो 6 - 300 कितना होएगा 300, 300 अपॉन 18,000 नहीं 1,800, 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 1,000 है कितना है हाँ 1,80,000 यस, और 300 / 1,80 कितना 1 2 3 4 ऐसा आएगा, तो 2 2 0 गया 6,1/600 आएगा। हाँ और डेल्टा एच वो प्लस है ना तो मतलब एंडोथर्मिक होएगा, एंडोथर्मिक मतलब जो K2 है वो ज़्यादा रहेगा K1 से। टू 2 कैलोरीज मिली है और सर ये होएगा T2 - T1/T1T2 मतलब 600 - 300/600 × 300। राइट
इसको है ना सर 1/600 ही ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए और सर अगर 1/600 बोला है तो 1/6 हो जाएगा, बिकॉज 276/2.303 हो जाएगा, देन वो कैंसिल हो जाएगा जीरोस जो भी है। 1/600 सर। सर अभी जो 27.6 है ना, तो उसको 276 कर दो, और वो जो 100 बच जाएगा ना, 1000 का 100 हो जाएगा ना, वो तो 100 एंड 600 का 0-0 कैंसिल होएगा। एंड क्या 6 276/6 24 36 46 हो जाएगा वो, तो 0.2 से जाएगा, 0.1 हो जाएगा सर, 0.1 हो जाएगा, ये पूरा निकाल देंगे ना सर, तो 0.1 × 4 नहीं, वो लॉग है ना, तो लॉग फाइव फोर का आंसर वैल्यू आएगा। क्या सुनो रहेगा? सुनो, हाँ सर, इसका आंसर राइट साइड वाले का कैसा हो जाएगा? ये 6 से 6 के 0 से उसको ऊपर आ जाएगा। 27.6 × 10 दैट विल बी 276, राइट? हाँ 276/6 हो जाएगा बाद में, तो वो है ना सर 46 है। हाँ, ये 2.3 × 2 था और ये 6, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया बराबर। तो अरे सर 12 वैसे थ्री मत जा, करो ना, वैसे मत करो, तुम्हारा कितना इसका आंसर आया टोटल वो जीरो बताओ। पॉइंट वन हाँ अब सुनो, मैं बताता हूँ। देखो ऊपर 276 हो गया, राइट? हाँ नीचे देखो, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12, ट्वेल्व हो गया, 12 थ्री जा 36, 6 3, 12 टू जा 24, 24 और 3 27, हाँ 274, 27.4, yes or no? सर। सर सुनो तो सही, लेकिन आपने इतने कैलकुलेशन के, इससे बेटर आप मेरा तो सुनो सर, वो 276/6 करोगे तो 46 से जाएगा, राइट है ना, तो 46 एंड 2.3 है, तो 2.3 × 0.2 करो। अच्छा, तुम 27.6 को 6 से डिवाइड कर दे रहे हो। हाँ अरे सॉरी, तो सर अगर 276/2.3 रहेगा तो ये है ना, ये सुनो सुनो, ये परफेक्ट 6 से जाता है, 2.3 सर, सॉरी 4.6। 20 आएगा सर, 20 आएगा, जो 46/2.3 20 आएगा, तो सर 10 आएगा उसका आंसर, 10 आएगा। अब हाँ इधर टेन देखो, आएगा, ये 4.6 हो गया, नीचे भी 4.6 आ जाएगा, हाँ राइट ना? ये 6 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो बराबर ना, तो नीचे भी 4.6, तो 4.6 से 4.6 वन टाइम जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ डन, ऊपर टेन आएगा, हाँ यस। चलो, तो इट विल बी इक्वल टू एंड 10 लॉग फोर का वैल्यू मेरे को नहीं लॉग पता ऑफ सर। K2/4 × 10⁻¹¹। हाँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, ओके तो K2/4 × 10⁻¹⁵ इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10 10, राइट? अब ये एंटी लॉग ऑफ 10 कैसे देखेंगे? ओके, तो ये आ जाएगा 10⁻¹⁰, ठीक है? ठीक है सर। और ये हो जाएगा K2 इज इक्वल टू 4 × 10⁵। 4 × 10^5 हाँ डन, समझा सर। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो तुमको याद रहेगा, हेल्प करेगा ये सब करने में। एंटी लॉग ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 10 raised to 6। डन। ना हाँ सर। जान कितना क्वेश्चन है। N2 + O2। मुझे लगता है तुम्हारे जितने ज्यादा क्लासेस होते हैं वो यहाँ के उससे भी ज्यादा केमिस्ट्री होता है क्या, ऐसा लगता है पता मुझे। हाँ सर। हाँ केमिस्ट्री होती है। वहां पे तो उन्होंने वो BS मैडम को रख के जल्दी जल्दी निपटाने वाला फॉर्मूला मत ले अरे लिया सर ना। ये लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम भी खत्म ना खत्म ये लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम 4 क्लास के अंदर किसने लिया था। BS मैम। एंड साथ साथ में BS मैम अल्कोहल फिनोल ईथर भी पढ़ा रही थी। मल्टी टैलेंटेड। बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो तुम तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो। क्या किया है, सबको 2 से डिवाइड किया बराबर हाँ सर। ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हो तो सबको K1 1 इज इक्वल बाई टू टू से मल्टीप्लाई किया है। सर K1 इज इक्वल टू K डैश इज इक्वल टू K रेस टू 1/2 मतलब रूट वो हो जाएगा रूट के आ जाएगा उसका आंसर। K डैश इज इक्वल टू रूट के। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब भी किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम उसका पावर आ जाता है ना, तो K raised to 1/2 आ जाएगा। तो इसको अपन लिख देंगे √K। डन। आगे देखो क्या यार, मतलब थियरी वियरी करके उड़ा डालते हैं और कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कराना है नहीं बच्चे लोगों को, कुछ फिर MCQ के डाउट सेशन कुछ रखने नहीं है, चैप्टर हाँ खत्म। ओके सर तो ये 2 से मल्टीप्लाई 1 सेकेंड ये है ना सर रिवर्स हो गया है एंड 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सर K डैश इज इक्वल टू 1/K होल रेस टू 2 आ जाएगा मतलब 1/K² आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन इज रिवर्स्ड, रिएक्शन इज, रिवर्स तो उसके लिए अपन क्या लिख देंगे के इनवर्स बराबर ना। दूसरा रिवर्स हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन टू इज उसके लिए क्या हो जाएगा, सेम नंबर कम्स इनटू द पावर। डन। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, डन। हाँ तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा,
आंसर डैश इज इक्वल टू के रेस टू माइनस टू। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/k द होल स्क्वायर, राइट। को ऐसा लग रहा है ना आदि, और लोग लगे आज आईनी की इक्विलिब्रियम भी ना 4 लेक्चर में खत्म कर दो। हो सकता है। चलो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, सॉरी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। और एक दूसरा रिएक्शन है, TSO3 गिव्स SO2+ 1/2 O2 एंड दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, K2। फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। सर एक बार वो दिखाओगे क्या पूरा K1 एंड हाँ K2 हाँ एक दोनों? मिनट, सॉरी। 2SO2। ओके तो K1 एंड K1 का रिवर्स करेंगे तो हमें K2 आएगा है ना, बट एग्जैक्टली नहीं है वो तो। चलो ये पूरे को नहीं, इसको दो से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और एंटी क्या है? हाँ सर रुको, तो सर इसके अंदर एक कॉमन जो है वो 2SO3 है, ठीक है। अरे अरे ये तो वो है, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी है ना, ए प्लस बी गिव सी, सी गिव्स समथिंग एल्स, जो भी है वो वही है ना सर। ए तो सर इसका है ना सर, ये K1 हो गया एंड तो सर देखो K1 इज इक्वल टू SO3 रेस टू टू अपॉन SO2 रेस टू टू O2, वो खत्म। K2 इज एक इक्वल सेकेंड टू एक सेकेंड हाँ एक सेकेंड आदि, बेटा ये रिएक्शन है ना, गलत लिख दिया, थोड़ा सा बैलेंस नहीं था देखो अभी बराबर, सॉरी सॉरी। हाफ हाफ O2 3 होना चाहिए एंड हाँ सर ऐसे होएगा राइट। और इजीली बता अरे पाओगे नहीं तो पहले वाले को रिवर्स किया है ना, पहले वाले को रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम सर कांस्टेंट क्या हो पहले वाले को जाएगा? रिवर्स किया है एंड उसको है ना डिवाइड बाय हाफ किया है सर। सो K2 इज इक्वल टू 1/K1 होल रेस टू 1/2, मतलब √K1 हो जाएगा। K2 इज इक्वल टू √K1। हाँ तो वही स्टेप लिख देते हैं उसके, सबसे पहला क्या है? हाँ सर जो पहले आपने लिखा था ना उससे एक दूसरा दूसरा रिलेशनशिप आ जाता। फर्स्ट रिएक्शन इज रिवर्स्ड, दैट इज इम्प्लाइड, वो क्या इम्प्लाइज करता है? K1 raise to -1 बराबर। सेकेंड स्टेप में क्या किया है? रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2। बराबर ना, तो इधर क्या लिख सकता है? K raise to -1/2, राइट।
राइट। हाँ सर, देयरफॉर k2 इज इक्वल टू k रेज टू माइनस 1/2, सो k2 इज इक्वल टू 1/2 डन। देखो ए गिव्स बी एंड सी गिव्स डी, पहले वाले का K1 है, दूसरे वाले का K2 है, तो क्या होगा इसका? फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ 2a प्लस 3d गिविंग, सबट्रैक्ट किया मतलब इक्वेशन, 2b प्लस 3c तो क्या आ जाएगा सर? इस ये इक्वेशन को K1 माइनस K2 किया है ना, मतलब नहीं देखो पहले जो क्या किया इन लोगों ने है ना, इन लोगों ने पहले K1 को 2 से मल्टीप्लाई हाँ किया सर, K1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, K2 को 3 और से K2 को मल्टीप्लाई 3 से किया एंड मल्टीप्लाई देन किया और फिर सब्ट्रैक्ट ऐड किया किया। सर, सब्ट्रैक्ट किया नहीं, फिर K2 को रिवर्स किया और फिर ऐड कर दिया। सर, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि सब्ट्रैक्ट किया सीधा? सर देखो ना, हाँ अगर वो भी a हो माइनस सकता c गिव्स b माइनस है। राइट d, राइट तो d को लेफ्ट साइड में जाएगा वो प्लस हो जाएगा, b राइट b, तो c राइट साइड में जाएगा वो प्लस हो जाएगा। चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या है राइट right. तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ए के लिए K1 का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ, K1 का मतलब इन स्क्वायर शॉर्ट आएगा। बताऊं तो यहाँ पे क्या किया है, रिएक्शन 1 × 2 किया है। हाँ, तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं? K1 का K1 का स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ पे क्या किया है, 1/K 2 × 3 किया है। हाँ सर, बट रिवर्स किया है ना सर, तो 1/K हाँ, करेंगे। तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 2 को रिवर्स किया Into 3 2R लिख दो सर, बेस R लिख दो और into 3 कर दो। 2 को रिवर्स किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कहना इसे 1/K2 रेस टू 3, 1/K2 raised to 3। हाँ सो फाइनल के इज इक्वल टू व्हाट? K1 का स्क्वायर इनटू 1/ K2 का क्यूब। डन। तो कितने आसान आसान है, एकदम कंसेप्चुअल है ना, हाँ लेकिन सर, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो तो गया, जल्दी से वही 1 मिनट में सर। नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। चार लेक्चर के अंदर सर ये कैसे खत्म किया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। पता चला कि 4 लेक्चर में खत्म कर दिया है। अरे सर,
कितना वो उसके अंदर नंबर तो दिखता है ना सर कि कितना लेक्चर लिया है इसका। और उसका रिकॉर्डिंग भी रखा है लोगों ने, ये लोग रिकॉर्डिंग नहीं भेजता आजकल, कब उसका का बंद लिंक। कर दिया, कब का बंद कर दिया रिकॉर्डिंग भेजना। बड़े ये से लोगों रखना ने चाहिए यार सर, रिकॉर्डिंग, हाँ सर, रिकॉर्डिंग रखना चाहिए। नहीं सर ये लोग देते ही नहीं है, पता नहीं क्या है ये लोगों को। अरे सर ये लोगों ने पॉलीमर स्टार्ट कर दिया, अभी पढ़ाना है नहीं, ये लोग है ना अभी बायो मॉलिक्यूल्स भी पढ़ाएंगे। पीए भी बैच में, नहीं, पूरा अरे एटीपी बैच, सबको नॉन सबको एटीपी सबको। सबको। हाँ, तो ये लोग का अटेंड करो, पॉलीमर और बायो मॉलिक्यूल के रहने दो। वो खुद से भी पढ़ सकते हो अभी, समझे? ठीक है सर, कुछ नहीं, अटेंड करोगे एनसीईआरटी उठा के पढ़ना उस टाइम पे, उन लोग का लेक्चर रहेगा तो तुम सब फटाफट सीख जाओगे। उल्टा है ना, वो तुमको रीजन नहीं देंगे, तुम्हारे दिमाग में खुद रीजन आएगा हाँ वैसा क्यों हो रहा है। ए, मेरे को लगता है ये लोग बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे यार। हाँ सर, गिन चुन के ये लोग का बहुत कम चैप्टर बच गया, लेकिन ये लोग ने ना इनऑर्गेनिक को हाथ ही नहीं लगाया। अरे सर ये पीरियोडिक टेबल अभी तक किया नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता ये लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे अभी। कोई बच्चा बोलता भी नहीं है ना, कोई नहीं बोलता, डन। ओके, इक्वेशन देख लो, थोड़ा लंबा चौड़ा है। कार्बन सॉलिड को दो दो मोल H2 हाँ से लिया सर। किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दो हाइड्रोजन गैस। सर एक सेकंड ना सर, हाँ CO2+2H2, ओके इधर 2H2 हट गया, देन C+2H2O एंड इधर CO मिला है +H2O, तो कॉमन क्या है, CO2 एंड H2, टू क्या सर? CO2 and H2। हाँ बट सर H2O सेकेंड वाले में 1 है, फर्स्ट वो वाले में टू रिएक्शन दे एच रहा टू है, ओ देखो है। हाँ सर, उसने रिएक्शन दिया है। फाइन, से इक्विलिब्रियम सॉलिड कांस्टेंट लिक्विड गैस 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 किसके लिए गैस पता है? लिक्विड है। कार्बन प्लस CO2 गैस गिविंग ओके कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या बेटा? सॉलिड। ये क्या है? गैस। और ये हाँ भी क्या सर। है? गैस। सर तो इक्वेशन को ऐड ही कर दिया देखे तो, है ना कार्बन है, H2O बचा ही नहीं है, सर? बट राइट? नहीं सर, ऐड भी नहीं बोल सकते बिकॉज सर H2O एंड H2 बचेगा, एक सिंगल H2O बचेगा एंड एक सिंगल H2 बचेगा, और अगर ऐड किया है तो सर CO भी कैंसिल होना चाहिए देखे तो। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे नीचे वाले इक्वेशन को। हाँ सर, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और बाद में फर्स्ट वाले में ऐड किया है। हाँ, तो फर्स्ट वाले में ऐड करता तो CO2 लेफ्ट में कैसे आ गया? अरे सर हाँ, देखो तो सही, देखो तो सही सर समझा सी। समझा। दो CO2 की वजह से एक CO2 कैंसिल हो गया, राइट? हाँ तो 2 नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया गुड और गुड बाद गुड में ऐड गुड। कर दिया। और सर देखो ना उससे है ना, फैक्चुअल जो जो 2H2 बचेगा वो राइट साइड में जाएगा तो 2H2 कैंसिल हो जाएगा, देन 2H2O भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसका भी झंझट गया, राइट। एंड देन सर हमें 2CO भी मिल गया उससे। चलो देखो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C+CO2 इज गिविंग CO। सो इट विल बी 2CO। हाँ सर, तो तो यहाँ पे के क्या आएगा? टू इज सॉलिड। मल्टीप्लाइड बाय 2।
सर अगर फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है तो सर ऐसा के डैश इक्वल टू सीओ रेस टू टू अपॉन सीओ टू ऐसा हो गया और कुछ K1 K2 दिया ना, तो अपन K ढूंढना है अपने को, ठीक है? तो ये देखो, ये सिंपल वन है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर और टू सीओ लाने के लिए क्या किया तुमने? सीओ टू है ना सर 2 × 2 प्लस सीओ के को तो वन स्किप किया कर ठीक दो, उसको स्किप कर दो। है सर तो 2 × 2 किया मतलब के 2 × 2 यस, टू के टू तो K2 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रेस टू टू इज इक्वल टू K1 × K2 का स्क्वायर, डन। हाँ सर कितना इजीली किया ना। हाँ सर सर एक हाँ सेकंड मल्टीप्लिकेशन हाँ इफ टू रिएक्शंस आर एडेड देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स मल्टीप्लाइड। सर बट वो सर एक स्पेसिफिक कंडीशन ही रहता है ना उसका अगर आपको याद रहेगा तो ए बी और बी सी ऐसा रहेगा मतलब ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी एंड दोनों का एडिशन हुआ तो ए गिव्स सी ऐसा कुछ ऐसा नहीं, आएगा इनको भी कैंसिल करोगे तो यही आ जाएगा जो अपन ने रिएक्शन लिखा है। ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो अपने को सॉल्यूशन, ये जो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है वही आएगा। तो ठीक घूम फिर के उसमें क्या था, ए बी को तुम ऐड करते थे बी से सी, तो बी कैंसिल हो जाता था और ए टू सी आता था, तो इसमें भी वही आ रहा है। हाँ हाँ सर समझा चलो देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये K1 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, N2 + O2। यस, 2NO। और यहाँ पे आता है K2। नेक्स्ट है यहाँ पे H2 + ½ O2 इज गिविंग H2। ये क्या है, और H2O लिक्विड। देख लिया ना रिएक्शन? देखो हाँ सर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 2NH3 + 5/2 O2 इज गिविंग ओके 2NO पांच प्लस किया 2 5 किया अगर अगर वो 5 हुआ है तो ये 3 कैसे आ गया बिकॉज कोई दूसरा वाटर नहीं है उसको हटाने के लिए बट देखे तो 3/2 तो ओके तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया है एंड इसके साथ एडिशन किया है ओके सर तो जो थर्ड इक्वेशन है
उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया है ना, और क्या होएगा, बस और कुछ नहीं है, और ऐड कर दिए बस। और ऐड कर दिया सबको। हाँ ये NH3 पहले वाले में था, उसको रिवर्स कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/k। इसको स्किप कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल K2 डायरेक्टली लिया है, कुछ K2 चेंजेस नहीं ऐड किया उसके कर अंदर। दिया, हाँ, और इसके लिए फिर क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, K3:3 आ गया। तो K3:3 आ गया। सो K इज इक्वल टू 1/K1 इंटू K2 इंटू K3:3, K3:3। ओके, ये मेरा मेथड बहुत सही है ना। हाँ सर, सर तो है ना, अगर हाँ के और सब मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट, तो K2 into K3:3 upon K1 आ जाएगा। डन ना। हाँ सर, अरे बाबा, ये इसको क्या हो गया, ये क्यों इतना फैलने लगा। डन। AP1 दिया है 10^-14। ये गैस है, ये भी गैस है। दूसरा रिएक्शन देखो, CO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स व्हाट, CuCl2। Kp2 इज इक्वल टू 6 × 10^-3। डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ Pc फॉर द रिएक्शन।
को क्या बोला है। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर रिएक्शन एट 727 डिग्री सेल्सियस। डन। आया ना। हाँ सर। और वो रिएक्शन क्या है ये देखो, या फिर डायरेक्ट केसी पूछ लिया ना उसने। सर एक सेकंड, ऊपर वाले रिएक्शन एक सेकंड में रिएक्शन लिख देता हूँ। कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस CL2 गैस इज गिविंग टू CO Cl2 है ओके ना। इसके लिए कैलकुलेट करना है अपने को। सर, ऊपर एक बार देखा जाओ ना। हाँ तो सर सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड फर्स्ट वाले को रिवर्स किया है, और अगर CO अगर ऐसा आ गया 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर आया तो फर्स्ट को नहीं रिवर्स किया नहीं है। नहीं एक सेकंड सर रुको। हाँ सर सही है, फर्स्ट वाले को रिवर्स किया एंड सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ समझे सर, ना। बिकॉज देखो अगर है ना सर, सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फर्स्ट वाले को रिवर्स करेंगे ना सर, 2 CO2, 2 CO2 कैंसिल हो जाएगा, एंड CO2 अगर रिवर्स वाले में है ना तो उधर लेफ्ट साइड में प्लस पे ही रहेगा। तो सर KP2 या फिर K2 जो भी था वो raised to 2 आ जाएगा, और K1 है ना 1/K हो जाएगा, मतलब लेकिन फिर भी KP। मैं आदि तुमको सजेस्ट करता हूँ एग्जाम में यही वाला मेथड यूज करना, हाँ सर ठीक है। सर सबके के के हाँ यही वाला। हाँ सर ये एक्चुअली बहुत सिंपल भी है, इसमें ना समझ में आ जाता कि हो क्या रहा है सर। तो हाँ, तो इसमें ना पहले के वाले को पी क्या रेस किया टू हाँ सर, पहले वाले को रिवर्स फर्स्ट को। किया एंड सर ये सेकंड वाले को स्किप मारेंगे बिकॉज वो उसके अंदर एडिशन है नहीं वाला है, तो इसको स्किप मारेंगे एंड थर्ड वाले के अंदर रिएक्शन 2 into 2 आ जाएगा, मतलब KP K2 raised to 2। और सर लास्ट वाला भी सेम ही है, K2 raised to 2 ही है वो भी। उसको नहीं लेंगे, उसको हाँ नहीं लेंगे। सर अभी है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब K2 का square upon K1 आ जाएगा, सो केपी इज इक्वल टू एक्चुअली के के वन टू और का ये सब क्या है, केपी KP1 है और ये क्या है हाँ और KP2 है केपी सर, टू तो KP2 का square upon KP1 आ जाएगा बिकॉज ऐड हो गया है ये लोग। हाँ तो उसका जो वैल्यू था वो भी मेरे को याद नहीं क्या है। मतलब 36 into 10 raised to -6, तो क्या बोलते हैं 10 raised to 8 आ जाएगा सर, +8 आएगा। ना। उसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा NG इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। सर एक सेकेंड, उधर मेरे को देखने का है। हाँ हाँ तो सर टू सी ओ CO सी एल टू का लिखा मैंने ही स्टेटमेंट लिया सर। गैस, इसको फॉजी गैस बोलते हैं, फॉजी फॉजनस। हाँ
सर तो ना -1 आएगा डेल्टा एन जी। तो सर इसका है ना एटमॉस्फेयर रेस टू -1 पर एटमॉस्फेयर, 1 पर एटमॉस्फेयर यूनिट होएगा। किसी पूछा है किसी, हाँ सर, अच्छा उसने केसी केसी पूछा है कैलकुलेट क्या? करने हाँ, तो कितना होता है उसका मोल पर लीटर रेस टू -1? एक बोला। सेकेंड सर, नहीं ऐसा नहीं करेंगे ना सर, वो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेस टू डेल्टा NG ऐसा आएगा। हाँ, वही। एंड KP का वैल्यू हमें पता है, तो KC इज इक्वल टू KP अपॉन RT रेस टू डेल्टा NG। अभी डेल्टा NG -1 है, तो KP इंटू RT आ जाएगा, मतलब 36 × 10⁸। अभी एक केल्विन का है ना सर, तो सर ये ना अपना 1/12 आएगा, तो 1/12 × 12 आ जाएगा वो, एंड 1000 आ जाएगा, मतलब 36 × 12 × 1000। क्या सर हेलो। एक सेकेंड, 0.0821 इज नथिंग बट 1/12 ना। 1/12 को मैंने 12 ये इतना लिया है, 1/12.17 लिया है। इसके लिए ना परफेक्ट 3 टाइम नहीं गया, 2.9 लिया, और ये सब पावर कैंसिल होके 10^4 सर सर 11 सर आया। देखो हाँ तो सही, मतलब 1000/12 जैसा कुछ आता, राइट? नहीं, 36/12 आएगा, और वो 1000 है ना सर वो थर्टी उधर सिक्स अपॉन मल्टीप्लाई ट्वेल्व हो जाए। कैसे अरे आएगा? बेटा ये इनवर्स है ना पावर, तो सब नीचे आ जाएगा ना, नीचे आएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे समझे। हाँ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, 36/12 आएगा, राइट, और इनटू 1000 आएगा। तो ऑलमोस्ट थ्री डन। से जाएगा वो। हाँ, तो 2.9 जैसा ही, राइट। चलो तो ये हो गया एक टाइप का, मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप। एप्लीकेशन ऑफ इक्वी लिब्रियम कांस्टेंट। मेरे को बताओ एक ऐसा अल्फाबेट जो बहुत कम यूज होता है। जेड 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 भी बहुत जगह यूज होता है। सर, बट बाकी से कम यूज होता है सर। नहीं, जेड बहुत जगह यूज होता है। एक्स नहीं, एक्स ज्यादा जगह पे यूज होता है एक्स तो हर जगह सिंबल में आ जाता है। सर। जेड सर, के के का आधा काम है ना, के का आधा काम सी कर देता है, क्या के का आधा काम? सी कर देता है, सी समझ हाँ, वो भी सही है। में। कॉन्स्टेंट ये मेरे को एक दिन, जो एक दिन है ना, KUNSTNT के बदले सी हुए ना, एक दिन है ना, एक दिन मेरे को ऐसा थॉट आ रहा था क्या सर? कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट बहुत कम यूज होता सर बट मुझे तभी भी ऐसा लगता है कि के का एक यूज है ना ज्यादा है जेड से भी। जैसे। अरे सर, जेड से अगर आपको कोई बोला कि कुछ भी जेड से याद करो, कुछ भी कोई ऐसा कंट्री का नाम है फिर ऐसा कुछ, वो थोड़ी ना ज्यादा याद आएगा सर। अभी के से कोई जगह का नाम आराम से याद आ जाएगा, जेड से नहीं आएगा, जेड का ज्यादा यूज है ही नहीं। जेड का ऑप्शन नहीं है, अरे जेड का ऑप्शन नहीं है, के का ऑप्शन है इसके लिए। जैसे देखो काम काम लेना है, काम लेना है तो CALM लिख दिया ना तुमने, कैप्चर लेना है तो CAPTUR हो हाँ, गया। KALM थोड़ी ना लिखते सर। वो एक गेम है मोर्टल कॉम्बैट करके, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है।
वो उसमें ना ये लोगों ने कॉम्बैट को हम COMBAT लिखते हैं ना, ये कॉम्बैट सी के बदले ये लोग है ना जिधर भी के सी आता है ना उधर के को डाल देते हैं, मतलब KOMBAT। क्यों अरे वो उनका स्टाइल है, वो बहुत पुराना गेम है, वो ऐसा ही जानबूझ के स्टाइल है। करते हैं हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा, एवरीथिंग इन शॉर्ट फॉर्म। सर शॉर्ट फॉर्म नहीं, बस वो सी को रिप्लेस कर देता के से, और कुछ आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बहुत चलता है। सर बिकॉज को BCOZ। और बाद में यू वायो यू के बदले सीधा ये वो अल्फाबेट यू। हाँ सर बट हाँ एक्चुअली बोलो। एक्चुअली अरे सर आपको पता है एक बार क्या हुआ था कि ये अपना स्कूल के अंदर हमें ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के अंदर ऐसे और ये सब लिखने बोलते थे ना, तो एक बार क्या हुआ कि ना वो कोई किसी का है ना किसी ने ऐसे लिखा था उनका। एंड सर आपको पता है वो जो जो भी स्पेलिंग था ना वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग था सर, बिकॉज का BCOZ लिखा था, वायो यू के मतलब यू हाँ लिखा था। वो पर्सन जो था ना, वो पर्सन वो बहुत ज्यादा चैटिंग करता अरे बाप था, रे। समझे। हाँ हाँ सर सर ए एक लेटर है कि एक वर्ड होएगा? ये एक लेटर है ना, हाँ सर बट उसको सेंटेंस में क्यों डालते हैं? अंग्रेजी सर बिकॉज कोई भी लेटर या फिर अल्फाबेट का मीनिंग नहीं होता है बट वर्ड्स का मीनिंग होता है। एंड ए से ए ये सिग्निफाई करता है कि ए मतलब एक सिंगल सिंगुलर वो है, तो वो एक मीनिंग दे बन। देता है दूसरे को। इधर देखो, फैक्टर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ सर समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ हाँ कंटेनर, प्रेशर, यस कैटलिस्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एडिशन ऑफ यस इनर्ट गैस, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पता है ना, एक टेम्परेचर, और टेम्परेचर दूसरा 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 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यस। ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट हेडिंग। आजकल के यंगस्टर में ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही ज्ञान ज्यादा है, हाँ वही सर फैक्ट्स और कुछ मालूम नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टूट रहे हैं, सर पता वो है बीच इंडिया में भी बहुत, क्या ये आ रहा था व्हाट्सएप इंडिया भी बहुत का पावरफुल है, इंडिया भी बहुत पावरफुल है। चाइना अगर इंडिया को गुस्सा देगा ना, तो इंडिया चाइना के, पता नहीं है, चाइना यूएस की इकोनॉमी को टक्कर दे रहा है। सर टक्कर मतलब वो है ना वो चीप लेबर एंड ये सब रहता है ना सर, इसके वजह से जो भी US का कंपनी है ना वो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज कुछ भी है ना वो अपने कंट्री खुद के कंट्री में बनाना बहुत महंगा पड़ता है। कॉस्टली है, लेबर वर्क, लेबर बहुत कॉस्टली है, लेबर वर्क बहुत कॉस्टली है वहाँ पे। सर बट देखो ना वो भी चाइना के अंदर कैसा रहता है, वो लोग को पूरा ऐसा टॉर्चर जैसा होता है वो लोगों को उधर, एंड देन ऐसा कर बहुत खराब रहता है सर। यूएस नहीं, चाइना को ऊपर लाया है। हाँ वही वही सोचा कि अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, इसको करने दो, और अभी चाइना पावरफुल हो गया तो लोग की फट रही है। हाँ। एंड सर ऐसा भी नहीं है कि है ना इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, कर ही रहे अभी भी। हाँ उन लोग के पास ऑप्शन नहीं है, टेस्ला ने तो पूरा अपना प्लान डाल के रखा है उधर। हाँ सर बट अभी वो बोले ना कि इंडिया के अंदर स्टार्ट करेंगे, बट इंडिया इतना डेवलप नहीं है कि कुछ बना सके इधर इतना से। बीच में आ रहा था ना सर के आईफोन का, आईफोन इधर मैन्युफैक्चर होएगा आईफोन इधर, सर क्या आईफोन कौन सा एक पुराना सीरीज आईफोन SE या फिर ऐसा कोई मैन्युफैक्चर होने वाला है बस, और कोई नहीं। एंड देन अभी रिसेंटली ये भी बोले कि टेस्ला भी उनका डालेगा इधर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट पता चला बैटरी के लिए डाला है सिर्फ, हाँ पोल्यूशन वही करने के लिए। वही
बैटरी रिप्लेसमेंट। एलन मस्क बहुत बहुत ज्यादा अमेरिकन माइंड में बिलीव करता है, मतलब ही इज नॉट अबाउट लाइक यू नो कि प्लैनेट को ऐसे करना है, ही इज लाइक प्लैनेट इज गेटिंग लाइक इतना, इसमें जो भी रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो वी हैव टू गो एंड सर्च अनदर प्लैनेट, ऐसा बोलता है वो। वही तो उसकी थिंकिंग से पता चलता है कि ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट नेचर। हाँ और जो लोग बॉदर्ड हैं उनको खरीदने के लिए कार सप्रेस, बनाता है। वो सर उनको सप्रेस भी किया जाता है ना बहुत बार तो, बिकॉज इसके बारे में हमें इतना ज्यादा न्यूज भी नहीं दिखता, बिकॉज न्यूज के अंदर दिखेगा ना तो ये लोग सप्रेस ऐसे ही कर देते हैं एंड देन उसको सरफेस होने नहीं देते वो न्यूज को जो ये देखो एक्चुअली सबसे काम पहले स्टेबिलिटी ऑफ का। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बराबर। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगा वैल्यू ऑफ की, कि जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा न्यूमरेटर होगा, उतना ज़्यादा न्यूमरेटर मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्ट। हाँ फिर दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ के। डन। एग्जाम्पल, ए गिव्स बी, सी गिव्स डी, इसका के का वैल्यू है 1.1 × 10⁻¹⁹, और इसका के का वैल्यू है 2.2 × 10⁻³¹। राइट। तो फर्स्ट रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ ऐसे लिखते हैं, पहले वाले में प्रोडक्ट बी ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सॉरी और रिएक्टेंट सी और यहाँ पे आ गया स्टेबिलिटी। क्या दी? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हाँ सर, हाँ, और स्टूडेंट नहीं होता है, स्टूडेंट ई होता है। स्टूडेंट हाँ सर। हाँ, ये इंडियन इंग्लिश है, स्टूडेंट। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। ऐसे रखो ही मत ना, उसका गला घोट दो, मार डालो उसको, आईएएस लिखो और देखे। डन। हाँ सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है इसका, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा ये रिएक्शन होगा। तो इसका सेकेंड पॉइंट, एक्सटेंट
एक्सटेंड स्लैश प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। केस वन, तो केस वन में क्या है मेरे भाई, अगर k का वैल्यू बहुत ज्यादा है बबुआ, k इज ग्रेटर देन 10 to the power 3, तो इसमें ऐसा बोला जाता है रिएक्शन ऑलमोस्ट अंडरगोस फॉर कंप्लीशन। डन। प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर रिएक्टेंट। डन। हाँ सर। केस टू, केस टू में क्या है, अगर के का वैल्यू इज लेस देन 10 to the power 3 बट ग्रेटर देन 10 to the minus 3, बोथ रिएक्टेंट ऑन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन appreciable rate। done। ये amount आएगा, case 3 केस थ्री में का है बबुआ, देखते हैं। केस थ्री कहता है कि अगर के का वैल्यू इज लेस देन 10 to the power -3 0.001, तो यहाँ पे का बोलोगे बबुआ, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, रिएक्शन हार्डली proceeds, और starts। अच्छा हाँ, तुमको है ना कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भी आजकल मिलेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले डॉक्टर, अरे बाप, व्हाट्सएप पे डॉक्टर बन गए वो। तो आदि तुमने, तुमको सबसे ज्यादा पढ़ाया है ना, तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, मेरे बहुत सारे जो कांटेक्ट में रहेंगे ना पेशेंट, उनका तुमसे सब फ्री में इलाज कराऊंगा, देखना। हाँ तुमको सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ाया मैंने। हाँ सर।
बोलूंगा ये डॉक्टर के पास जाओ, इससे फुकट में इलाज करो, कुछ बोलता है तो मेरे को फोन करो, अभी इसको बताता हूँ मैं। भूल मत जाना तुम, नहीं तो पता चला भूल गए फिर। अरे नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा। अरे ऐसा हो जाता है, मेरा एक स्टूडेंट था साला यूएस चला गया, अच्छा तो वो आया इंडिया, तो मेरे को पता चला इधर है, तो मैंने एक जन को बोला कि जाओ उसके पास, ऐसे मेरा नाम बोलना ही हो, तो बोलता आई डोंट रिमेम्बर हिम। तो मैंने ना मैंने बोला कि ऐसा जब कुछ ऐसा नेगेटिव वाला बात रहेगा तो मेरे को जरा कॉल करना, तो कॉल किया, तो मैंने उसको बोला ये फोन दो उसको, उसको फोन दो। तो है ना मैं उसको चंगू बोलता था, चंगू ऐसे, तो मैं ये चंगू बोल गया क्या तू, तेरे को अच्छा पता है कार्बन किसने सिखाया था, कायरल, कायरल कैसा होता है। तो ओ सर सॉरी सर, मतलब ये वो ऐसा ऐसा, बोला नहीं नहीं बेटा सही है, सही ट्रैक पे जा रहे हो। यो बोलता है सर मैं ऐसे ही बोल रहा था, मुझे लगा कि कोई, मैं बोला चल अभी तो रहने दे। फिर मैंने ना उसको बोला कि तू एक काम करो, तो मैं ना अभी एक दूसरे डॉक्टर का नंबर देता हूँ, मैं ऐसा ट्राई करो। तो बोलता अरे 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 रुको 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 आप, मैं ऐसे ये वो। तो मैं बोला रहने दे बेटा तू बहुत बिजी है। अरे बाप रे। लेकिन दिया उसने दवा हुआ। अरे प्रोफेशन में आधी इतना पैसा है ना, इतना पैसा ना, मैं तुमको बताऊं आधे डॉक्टर लोग है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ आधे डॉक्टर लोग है ना पागल लोग चुके हैं। किस चीज में पता है, पैसे में। हाँ वही सर। वो इतना भागते हैं ना, इतना भागते हैं ना, मैं खुद जानता हूँ दो तीन को इतना पर्सनली। जिस 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 सेक्टर में तुम्हारी मॉम है ना, हाँ सर ये वही। रेडियोलॉजिस्ट और इसमें ही, उसमें इतने पागल हैं वो लोग, मतलब क्या बताओ तुमको। सर एंड क्या खतरनाक फीस चार्ज करते हैं लोग, बहुत खराब है। अरे बहुत ज्यादा होगा, तुम्हारी मॉम को पूछना, मतलब वो डायग्नोस्टिक सेंटर में ना डॉपलर उपलर रहता है उसका, 3-3, 4-4 हज़ार लग जाता है 2D डॉपलर। और अरे गवर्नमेंट में जाओगे ना, हाँ सर। गवर्नमेंट में तो वो 700 में होता है। अरे सर लेकिन आपको पता ही है कितना, मतलब अभी है ना लोगों को पैसे का इतना है ना, तो उनको अगर दिखता है ना कि इधर है ना सिर्फ एक दो ही सेंटर है, तो है ना उधर इतना सारा सेंटर डाल देते हैं ना, खुद का ही ना सर मल्टीपल सेंटर डालते हैं एक जगह पे, ताकि उनके और कोई आए नहीं, मतलब बाकी लोगों का भी ठप हो जाए ना, सब उनके इधर ही आए सर। हाँ जाइंट लोग ऐसा करते हैं बराबर, जिनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू या टर्नओवर होता है ना। मॉम का तुम्हारा 3 सेंटर है ना, हाँ तीन है, एक मीरा रोड में है, एक क्या बोलते नाला सोपारा में है, दो नाला नाला सोपारा में शायद से, या फिर एक नाला नाम क्या सोपारा है, एंड एक नायगांव। कौन से नाम से है। एक जो इधर है सर वो रिया डायग्नोस्टिक सेंटर है रिया मीरा रोड किसका में। नाम हाँ है, सर। रिया किसका नाम है। अरे वो सर ऐसे ही था, लेकिन जब लिया था ना तो शायद से यही नाम था, तो कभी चेंज नहीं किया। अच्छा, समझा समझा। हाँ। मेरे को लगा आदि डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जनरली ऐसे लोग रखते हैं अपने वही वही। फैमिली मेंबर्स के नाम से। लेकिन मॉडर्न है रिया नाम। मॉडर्न ऐसा सर नाम मॉडर्न और ऐसा थोड़ा अजीब लगता है बोलने को, बट एक्चुअली देखे तो ऐसा है। अभी सर पहले कैसे खतरनाक खतरनाक नाम होते थे लोगों पांडुरंग, के। महाराजा पांडु। मतलब सर जो मेरा भी नाम है ना सर देखे तो वो पुराना ही जैसे, मतलब आजकल है ना लोग ऐसा सब नाम नहीं रखते, सिद्धार्थ मतलब राइट, हाँ सर, मतलब देखो मेरे नाम का मीनिंग है ना सर, एंड लोग बहुत हाई फाई मीनिंग है। आजकल के लोगों को क्या है कि उनको है ना एक ऐसा नाम चाहिए जो अच्छा साउंड करता है, मतलब मीनिंगलेस ऐसा नाम है एकदम जो अच्छा साउंड करता है, तो कुछ भी नाम डाल देते सर बहुत बार। तो बहुत लोगों का नाम तो सर मतलब
जब मम्मा ऐसे सेंटर में जाती है ना, तो बहुत लोगों का नाम ऐसा खतरनाक खतरनाक नाम रहता है। मतलब मुंगेरी एक सेकंड, मेरे को अगर कुछ याद आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। मुंगेरी लाल अरे नहीं सर, अरे खतरनाक खतरनाक नाम मतलब सिरकुटा नहीं, ऐसा कमला रानी या फिर मेरी का ना कमला देवी। हाँ, ऐसा ऐसा सब, ऐसा सब। मतलब खतरनाक खतरनाक नाम होता था पहले तो। हाँ पहला देवी भी ये सब रखते थे ऐसे। हाँ देखो ये आ गया है, विच मेटल क्लोराइड इज मोर स्टेबल। विच मेटल क्लोराइड इज मोर स्टेबल? सर जिसका के ज्यादा होएगा। नहीं के अगर ज्यादा होगा तो टूट जाएगा ना, अरे रिएक्शन के फॉरवर्ड कम होएगा, में के चले के जाएगा। कम होगा सर, के कम होगा। सर एक सेकेंड, अरे सर मेटल ऊपर लेकर जाओ। क्या एक सेकेंड सर? हाँ, सर फर्स्ट वाला मेटल क्लोराइड क्या है, रिएक्टेंट है बराबर ना बेटा। हाँ तो सर, अपने को नहीं चाहिए कि ज्यादा प्रोडक्ट आए, तो ज्यादा प्रोडक्ट तो बीच वाले में आएगा, ज्यादा प्रोडक्ट तो बीच वाले में आया क्योंकि उसका के का वैल्यू काफी ज्यादा है। हाँ, एंड देन सर 2 3 1 आएगा, ऐसे आएगा 2 3 1 आएगा। हाँ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ता है तो ऐसे बोल सकते हैं के का वैल्यू कम होता है। ना क्यों बताओ, रिएक्टेंट इसीलिए स्टेबल है क्योंकि के का वैल्यू कम है, के का वैल्यू ज्यादा होता तो रिएक्शन आगे जाता ना। हाँ, मतलब वो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता देखे तो। तो इसका आंसर है MCl2। हाँ आदि तुमको मॉम डैड का तुम्हारा क्वालिफिकेशन पता है? मम्मी पापा का नहीं। बहुत लोगों का ऐसा होता है, मतलब दे डोंट नो। ऐसा नहीं सर, ऐसा कभी किसी का पता ही नहीं मेरे को। डिस्कशन, हाँ कभी होता ही नहीं है। डिस्कशन ही हाँ नहीं हुआ। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन हुज रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू टू इंटू 10 to the power -90 विच इज करेक्ट। रिएक्टेंट डोमिनेट, दूसरा क्या है
प्रोडक्ट डोमिनेट। लेकिन कैसा आदि, तुम्हारे मॉम ने ना सही डिसीजन लिया वो लोकैलिटी में खोलने का। ठीक कैसा है बता, ये साइड है ना कचरे जैसा है, कचरे जैसा डायग्नोस्टिक सेंटर है हाँ वो लोकैलिटी में, बहुत काम मतलब है यहाँ लोग पे। अच्छे नहीं है वो, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन वो इतने ज्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं है, मतलब जो हाँ भी। हाँ और बाद में वो चीटिंग ऐसा बहुत करते हैं, पैसा हड़पने का, यानी सब सब। ये साइड है ना मतलब लाइक मलाड और ये साइड, जिस साइड हम लोग रहते हैं वेस्टर्न साइड, यहाँ पे तो तुम स्टेशन पे चले जाओ तो लाइन लाइन से एक एक है। एंड सर मतलब लोग है ना इतना खतरनाक चीट करते हैं, मतलब बाकी डॉक्टर्स को भी ऐसा चीट करते हैं लोग। मतलब यूजुअली क्या रहता है कि कोई अगर क्लिनिक खोलता है ना तो वो कोई कभी कभी ऐसे एक डॉक्टर को उधर रख देता है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एंड उनके जितने भी पेशेंट्स वो उनके लिए आते हैं ना तो थोड़ा सा उनको जाता है ऐसा पैसा, बिकॉज सैलरी जैसा हो जाता है ना बाद में तो। एंड सर मतलब पहले है ना मम्मा एक जगह पे ऐसा जाती थी एक्स्ट्रा ऐसे टाइम, मतलब मम्मी को तभी फ्री टाइम मिलता था ना तो बोले कि क्यों नहीं करने का, तो ऐसे मम्मा जाती थी। तो उधर है ना जो एक और प्रैक्टिस करते थे ना तो जो मेन थे ना जिन लोग ऐसा क्लिनिक को ओन करते थे, वो जो उधर प्रैक्टिस कर रहे उनका उनका ही है ना पैसा ऐसा खा रहे, मतलब एक पूरा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दे रहे, उसमें से थोड़ा निकाल के देन दे रहे थे, लाइक सोचो। हाँ लोग फायदा उठाते हैं कि मतलब वी हैव मशीन्स एंड एवरीथिंग, हमारा पैसा लगा हुआ है तो तुमको बहुत कम देंगे। हाँ ये तो मतलब है ही यार, लोग इतना करते हैं ना बहुत ये लोग, एंड मेरे को वो इतना बोलते हैं समझ में ना भी नहीं आता ये है कि हेजी हेजी मनी और ये सब बोलते हाँ सर हैं मेरे ना, को इतना मनी भी नहीं डोमिनेंस समझ में ऑलवेज आता विन। है कि ये लोग ऐसे कर कैसे सकते, मतलब कोई तुम लोग के सेंटर पे ऐसा काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है एंड देन उसका ही पैसा खा रहे हो ऐसा फालतू में। ऐसा नहीं कि वो लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल रहा ना उनको, वो उनको थोड़ा कट करके दे रहे हैं ना, लाइक वो पूरा जो पैसा आएगा राइट, मतलब सोचो कि मैं ना एक रेडियोलॉजिस्ट हाँ हूँ मतलब एक प्रॉपर और लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे एक एक हाँ पर्टिकुलर हाँ पेशेंट के पीछे अगर ट्वेंटी मैक्सिमम जो परसेंट रहता 30% दे रहे हो हाँ तो फिक्स हाँ रखो, मतलब हाँ रादर देन लाइक यू वही नो अब ऐसे बोलो कि चल अभी तेरे को 10% देंगे तो वो गलत है, समझे हाँ ना। वही वही ये तो होता है आदि बहुत जगह होता है। अभी मैं तुमको बताऊँ क्लासेस में हमारे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तुमको क्या बताऊँ। हमारे अगल बगल में बहुत एक्सपीरियंस टीचर है एंड दे इवन नो दैट कि दीज यंगस्टर्स आर फार मतलब बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन कैसा है बता है? वो कभी हमको प्लेटफॉर्म नहीं देते कि आके ये लो हाँ डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ा है, वो वही इजी इजी वही चैप्टर दे देंगे और क्या बोलेंगे वही, और खुद पढ़ा के ना बच्चों में से नाम कर लेते हैं। और तुमको तो पता ही है जो अरे दिखता है सर वो आपको तो भागता है। देवेंद्र सर ने भी ऐसा ही किया, वो है ना एक बायो सर है जो एक्चुअली बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। एंड अपने क्लास में भी किसी ने बोला था कि सर, देवेंद्र सर को बोला था कि सर उनको अगर आप बोल सकते हो पढ़ाने को तो आप उनको थोड़ा बोलो ना पढ़ाए था ये सब चैप्टर्स, बिकॉज वो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वो सर ने ये बोला कि वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है ये, तो इसकी वजह से हमने ना उनको इजी इजी चैप्टर्स ही पढ़ाने दिया। एक्सपीरियंस किधर आता है? लाइक अगर डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो वो एक मतलब सर एक्सपीरियंस, चलो एक्सपीरियंस ठीक कभी है। आएगा जब उसको एक बार करने को अलाउ करेंगे ना सर, अगर उसको हाँ अलाउ ही नहीं किया है। और कहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है आदि, मेरे को एक बात बताओ। लाइक सर्जरी कर रहे हो ये वो, अभी क्रिकेट का गेम है तो नो डाउट यंगस्टर आके अच्छा ही परफॉर्म करेगा। हाँ क्रिकेट है फुटबॉल है यंगस्टर तो खाएगा ही ना सबको। तो वही मतलब सर अभी आप मुझे बोलो कि एक बुढ़ा अंकल ऐसे वो फुटबॉल खेल रहा है एंड देन कोई ऐसा यंग ऐसा आ गया वो फुटबॉल खेलेगा, तो कौन बेटर खेलेगा सर? अभी फर्क नहीं पड़ता कि वो बुढ़े अंकल कितने सालों तक फुटबॉल खेले, वो फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वहां पे एनर्जी का गेम है, माइंड कितना फास्ट चल रहा है उसका गेम है सब। हाँ कोई कोई जगह पे एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। सोसाइटी में है ना आदि अच्छी चीजें सिर्फ किताबों में। हाँ वो है आई टेल यू व्हेन यू विल गेट एक्सपोज्ड, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का तुमको स्टेटमेंट बताता हूँ मैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का हाँ सर। द चाइल्ड इज वेरी प्योर व्हेन ही और शी इज इनसाइड द हाँ मदर्स वॉर्म, मदर्स वॉर्म द मोमेंट ही और शी कम्स आउट दे गेट्स अ पॉइंट। मतलब मदर के वॉर्म से जैसे ही बाहर आता है ना हाँ वो सर स्पॉइल हो जाते हैं। ये दुनिया ऐसी गंदी है।
चलो देखो इसका आंसर, फॉर अ रिएक्शन हुज के इक्विलिब्रियम इज 2 × 10⁻¹⁹, व्हिच इज और आर करेक्ट, रिएक्टेंट डोमिनेट्स, एक सेकेंड ना, रिएक्टेंट डोमिनेट्स, प्रोडक्ट डोमिनेट्स, रिएक्शन हार्डली प्रोड्यूस बोथ वन एंड टू। सर रिएक्शन हार्डली प्रोसीड आएगा ना, बिकॉज के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत छोटा है। मतलब देखे तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल कंपाउंड है। −9 हो गया तो बहुत ही कम हो गया, तो माइनस इसका आंसर आ नाइनटीन है जाएगा। ये तो सर, तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, थर्ड ऑप्शन। वेट, मैं आधी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई हैव सीन, लाइक अगर मैं 1000 लोग को जानता हूँ ना, तो उसमें से 995 है ना, दे आर हाँ ओनली गुड विद देयर टॉकिंग। हाँ दे विल बी ओनली 5%, मतलब 5% तो बहुत ज्यादा हो गया। 1000 में 5 लोग ऐसे हैं जो रादर देन टॉकिंग है ना, उनके बातें भी अच्छी हैं और उनके हाँ काम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ ये ना, एक पेरेंट्स के साथ मेरा ऐसे ही हो गया था। मैंने उसको प्राइवेट पढ़ाया था, ऑर्गेनिक, कुछ पूरा ऑर्गेनिक, 11th 12th पूरा पढ़ाया था ना। आई चार्ज्ड हिम लाइक समवॉट अराउंड कुछ 1,75,000। तो वो भाई साहब है ना, जब पेमेंट करने आने तो बोलते हैं सर इतना ज़्यादा क्या है, पढ़ाते हैं। तो मेरे को पता था कि ही इज़ लाइक इन टू सम काइंड ऑफ ये कुछ ये पेडी पेडी एट्रिशियन या फिर या कुछ कर से है। पीडियाट्रिशियन। हाँ तो आई टोल्ड हिम लाइक यू नो, सर जस्ट वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, लाइक यू नो वेरी फ्रेंकली, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, फॉर हाउ लॉन्ग यू ऑब्जर्व द पेशेंट एंड लाइक हाउ मच इज द अमाउंट दैट यू चार्ज। तो बोलता है सर इट डिफर फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो ओके टेल मी द अमाउंट। तो बोलता है सर इट डिफर फ्रॉम केस टू केस, ओके द चार्जेस एंड ऑल। मतलब मैं बोला Here we are teaching intelligent student as well as normal student, but still we have to pay. They have to pay the same amount, सेम अमाउंट ऑफ फीस, राइट। right? मतलब आप गधे को पढ़ाओ, स्कॉलर को पढ़ाओ, सेम अमाउंट है, बट जो थोड़ा कमजोर है वो हमसे बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है, हाँ बराबर ऐसा है। और फिर वहां पे आपकी फीस में कोई पेशेंट आगे कभी बार्गेनिंग करता है क्या? हाँ बार्गेन तो बोलता नहीं है नो करेगा, एंड नो अगर सर नो। करेगा भी ना तो वो सीधा लगे ना, रिफ्यूज हाउ कर कैन देंगे। यू बार्गेन? ओ या, इन फ्यूचर हाँ, एंटरटेन ही नहीं करते यार, और रो रहे ना, बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं। मैंने आज तक कभी नहीं दिखाई है कि पीपल आर कमिंग। और कैसे बताए, अपने इंडिया में ना लोग भले पुअर लोगों को बोलते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, पुअर बहुत ईमानदार होते हैं आदि, हाँ, लाइक पुअर बहुत बिकॉज उन ईमानदार होते हैं। सर ऐसा रहता है ना कि जितना कम रहता है ना, तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि उनके पास कुछ खोने को भी ज्यादा नहीं रहता है, तो इसकी वजह से ना उनको फर्क भी नहीं पड़ता नहीं, कि और तो मैं ना, तुम हिस्ट्री में जाके रीड कर लो, जितने भी फ्रॉड और ये सब गवर्नमेंट का पैसा वैसा सब लूटा है ना, ऑल रिच एंड माइंडेड ओ पीपल। वही 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 पुअर बेचारा है ना, नर्वस होके डॉक्टर के सामने बोलता है सर मेरे से इतना नहीं हो पाएगा सर, वो डायरेक्ट ईमानदारी से बोल देता है। और जो रिच रहता है ना, वो सर भी खाएगा, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, और हाँ ऐसे करेगा कि मैं तेरे को पे कर रहा हूँ, चुपचाप करते जा, चल। हाँ वही वही उनका ऐसा एटीट्यूड रहता है, यही है सोसाइटी में, भी क्या बताऊँ। मेरे को है ना बहुत अजीब लगता है ये सब, आके ऐसे करते हाँ हैं। और फिर मैं बोलता हूँ ये इसका मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छे, चलो मान लो मेरे बिना क्लास लिए कोई नॉर्मल क्लासेस में नॉर्मल कॉलेज में जाता और मैंने क्लास ले लिया, तो ये बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहा है। तो आप कभी ऐसा आके बोलते हो क्या सर 15,000 एक्स्ट्रा ले लो? वही बोलोगे क्या है? चुप हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा। तो सर कैसा है बताया, इफ यू कम एंड सिट विद मी डिबेट ना, मैं आपको घंटे भर इधर ही बजाऊं
ओके बट दैट इज नॉट आवर वर्क. आपको ठीक है, आपको चाहिए आप कम कर दो, लेकिन बोलते हैं ना ये ऐसे ठीक है आप ऐसे करते हो लेकिन हर जगह मत करना ये. तो फिर वो चुपचाप पूरा पेमेंट देके गया. मतलब मैं बात नहीं कर रहा था, मैंने स्टाफ को बोला था कि यू कम्युनिकेट विद हिम, तो बोलती कि नहीं सर डायरेक्टली ही वांट्स टू टॉक टू यू. और बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स मिलते हैं यार, उनका ये रहता है कि कम से कम पढ़ा रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है, हाँ वो तो बात भी नहीं करते कभी आसे आके मेरे से, सिर्फ वो ऐसे बोलते कि सर इसका कैसा चल रहा, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी है देख लेना आप बस. कोई कोई रहते हैं, अब उसमें उनका भी गलती नहीं है, कैसा है कि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं ना, हाँ इसलिए क्या कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये DOD, अल्फा है ना सर। राइट 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 राइट, दैट इज अल्फा. पढ़ा है हम लोगों ने ये. हाँ सर, 1+(n-1) अल्फा इज इक्वल टू हाँ आई हाँ बराबर बराबर बराबर, मैंने तुमको इसमें पढ़ा दिया बैंड था हॉफ फैक्टर अल्फा बैंड सॉल्यूशन ऑफ के टाइम, फैक्टर में. हाँ राइट राइट राइट, हाउ एसोसिएशन मेनी एंड मोस्ट डिसोसिएशन। डिसोसिएटेड, हाँ डिसोसिएशन कितने डिसोसिएट हुए. राइट राइट राइट, वेरी गुड. चलो अच्छा, एक्चुअल में ना आदि ये है ना, बच्चे सॉल्यूशन में बाद में सीखते हैं, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखते हैं, हाँ हमारे केस में ना सब उल्टा उल्टा पुल्टा हो चल रहा रहा है। हाँ है. हम 11th का चैप्टर छोड़ के पहले 12th करा लेते 12th हैं. का उठा है देन वापस से 11th। हमसे पहले पढ़ना चाहिए था, उसको बाद में पढ़ते हैं. हाँ तो DOD क्या होता है वो देखते हैं. उससे पहले ना इस वर्ड का मीनिंग जान लो, डिसोसिएटेड मोल क्या होता है. इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू और एक एक पेरेंट्स का तो क्या खतरनाक. लास्ट लॉकडाउन में ऐसे हुआ था, कुछ बच्चों को पढ़ाया गया था, मतलब तो उनका है हाँ ना लाइक 720 में से 560 570 आया. तो उनका क्या कहना है कि सर सिलेक्शन तो नहीं हुआ, सर सिर्फ 30 40 मार्क्स बढ़ा, तो सर फीस का क्या. मैं बोला ये क्या क्या वो रब्बिश योर टॉकिंग. हाँ वही मैं बोला सिलेक्शन नहीं हुआ ये वो, राशन की दुकान में जाता है किराना खरीदता है तो पैसा देता है ना. कैन यू टॉक लाइक दिस. हाँ वही सर। वो मेहनत तो तुम्हारे बच्चों के हाथ में है ना. हाँ आपने तो आपके तरफ से सब हाँ कुछ हम टेस्ट दिया, करा रहे हैं ये वो है, और लाइक 560 570 इज नॉट लाइक ऐसे कहीं से भी कम कम नहीं मार्क्स है. है। हाँ हाँ अब आप वो एक्सपेक्ट सोच रहे हो कि मतलब 600 क्रॉस करे, तो भाई वो तो मैंने पहले दिन ही ओरिएंटेशन में ही बोल दिया था कि उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी याद रहनी चाहिए. मेरे को ना जब ये बोला ना कि सर ऐसा नहीं हुआ तो फीस, तो मेरा ना एकदम खोपड़ा खसक गया. फिर ऐसा लगता है ना कि भाई तेरे को चाहिए तो तू आके इधर से दान धर्म लेके जा. हाँ इतना अगर प्रॉब्लम है तो. और मुंबई में यार मेरे को ऐसा लगता है ना, मतलब मुंबई लाइक द पीपल आर हैविंग गुड अर्निंग सोर्सेज, सो व्हाई शुड दे आर हैविंग लाइक. और मैं बताऊँ तुमको आदि, जो लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं ना उनके साथ बराबर लोग बिहेव करते हैं. मतलब जैसे मैंने बोल दिया ना कि आप 2 चेक दे दो, 2 चेक में पूरा पेमेंट चाहिए मेरे को क्लियर, और पहला चेक अभी क्लियर होना चाहिए और दूसरा चेक है ना 5 महीने के बाद क्लियर होना चाहिए, नहीं हुआ तो आई सेंड यू किड आउट. और हम लोग कैसा होता है कि ठीक है आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करो, हाँ तो सर, हाँ सर हमारे वही साथ ही ना, वैसा लोग करते हैं. लोग तो एडवांटेज लेंगे ना सर, वो तो सोचेंगे कि हाँ ये तो ऐसा ही है, तो वो लोगों को लगेगा कि चलता है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देने का, फिर नहीं देने का, होता है ऐसा। फिर मैंने ना लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद से पॉलिसी चेंज कर दिया, बोला अच्छा आप पहले 3 चेक दे दो, नहीं तो फिर नहीं इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग पढ़ाने में, दो बच्चे रहेंगे वो भी चलेगा.
बोलना नहीं चाहिए आदि, सबसे ज्यादा नाटक है ना गुजराती करते हैं। वो है, वो मैं अग्री करता हूँ सर। मैंने देखा सर बहुत सर ज्यादा बिकॉज गंभीर अरे है। सर देखो ना, मतलब मैंने भी ऐसा बहुत नोटिस किया कि है ना, जो भी ऐसा ज्यादा चालाकी एंड ये सब भी रहता है ना, वो गुजरात के लोग बहुत करते हैं। और बुरा बुरा मत बोलना, बट चोरी वोरी बहुत करते हो लोग, लाइक हाँ फ्रॉड व्रॉड है ना, ये सब सर, गलत मैं क्यों काम, बुरा ये मानूंगा वो ना सर, सब मैं बहुत गुजराती नहीं हूँ सर, मैं मारवाड़ी हूँ। अनियमा स्टेट इज है ना। अरे सर लेकिन सर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि जो मारवाड़ी लाइक जो राजस्थान के लोग हैं ना, वो एक्चुअली बहुत सही लोग हैं, बहुत ऐसा हॉस्पिटैलिटी ऐसा है उनके ऐसा। सर हाँ, मैं ना एक बार हाँ वो पूरा बाय नॉर्थ का बेल्ट ही वैसा है, बाय रोड नॉर्थ है हम है ना। ना सर राजस्थान गए थे, ठीक है। एंड सर हम एक जगह पे रुके थे, एंड ना सर वो इतने अच्छे लोग थे ना, मतलब एकदम हंस हंस के बात कर रहे थे अच्छे से। एंड एक कोई छोटा सा विलेज ही था, आवाज आ रही है ना आदि? हाँ सर। इट इज द नंबर ऑफ मोज डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल ऑफ रिएक्टेंट। एंड सर आपको पता है मेरे मेरे कॉलेज के अंदर है ना मैक्सिमम गुजराती भरे पड़े हैं। वो क्या नाम है, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं वो सर वो मारवाड़ी की भी गुजराती? वो गुजराती, वो गुजराती। अच्छा एंड देन जो दूसरे योगेश दराडे ना, वो मराठी है। ओके खतरनाक। ओके। एक बात बताओ, लाइक मोस्ट बड़े बड़े प्रोफेशन में ना यू विल फाइंड नॉर्दर्न इंडियन ओनली, लाइक IAS IPS है ना, ये सब में तुमको नॉर्थ के मिलेंगे अच्छे क्यों। लोग मतलब और कैरेक्टराइज तो नहीं कर सकते, बट अच्छे लोग ही रहते हैं वो सब। मैथ्स और केमिस्ट्री में तुम देखोगे ना प्रोफेसर्स, तो नॉर्थ के साउथ बहुत मिलेंगे तुमको। सर, साउथ इंडिया के रहते हैं सर बहुत सारे ऐसे, तो साइंस बैकग्राउंड के। जैसे कोटा में जाओगे ना, कोटा में तुमको पूरा यूपी बिहार मिलेगा, हाँ क्योंकि IIT वही लोग ज्यादा क्रैक करते हैं। हाँ वो सर हार्ड ये वर्क जैसा आपने बोला तो वो उधर ही रहेगा ना, क्योंकि ना बिकॉज सर जो मोस्ट वही है डिस्ट्रैक्शन ना, इधर है वो उधर ज्यादा नहीं मिलता है, बोल सकते और हैं। नीड नहीं है उन लोग की, बोलते हैं ना नीड बहुत, ये बोलते हैं ना बेसिक नीड ही नहीं है उनके पास, पढ़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ टाइम पास में भी पढ़ा ही है उनका ऐसा। हाँ तो तुमको ऑलरेडी पता है। हाँ सर, और सर हमने इसको मॉलिक्यूलर वेट से भी रिलेट किया था, थियोरेटिकल राइट 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 और थियोरेटिकल और एक्सपेक्टेड वाला, मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैसा बोलना चाहिए। इज व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 9 0। समझ में आया? हाँ सर, एंड परसेंटेज में है ना सर, ये लिसन जीरो लिसन टू लिसन 100% होएगा। लिसन, ये है ना, ये 100 नहीं है, देखो 0 से ये बड़ा फ्रैक्शन है, है। अरे 1 से कम है, 1 से कम है। सर इसका वो मतलब क्या हाँ पता है, इसमें कभी 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, ये बात नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। रखना, याद हाँ, रखना इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर ऐसा देखो आदि, अगर अल्फा का वैल्यू 1 हो गया मतलब रिएक्टेंट पूरा टूट गया प्रोडक्ट में, तब तो भैया इक्विलिब्रियम की बात मत करो, हाँ तब तो सर। पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। हाँ वो बात की बात है कि अब प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टेंट देगा, लेकिन एक ऐसा समय आ गया ना जिसमें रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हाउ कैन यू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, राइट? वही ये सर। बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ना, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिखना चाहिए, जनरली अल्फा उसके बराबर भी होता है, लेकिन तुम देखो इंटेंशनली लेस देन 1 लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, हाँ सर। समझे ना।
ओके चलो देखो अभी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। हाँ डिग्री और डिसोसिएशन का मेरे को शायद से ना अलग पेज पे लिख के सम देना चाहिए था, बहुत सारा क्योंकि इसमें बहुत सारे सम्स हैं, बहुत सारे सम्स हैं सर। हमने लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कितना सारा किया है सर सॉल्यूशन के अंदर ही। हाँ लेकिन इधर थोड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग है, ओके उसका यूज है ना अलग है, वो वन डायरेक्शन रिएक्शन था ना बेटा। इसमें कैसा है कि थोड़ा इधर उधर बहुत ज्यादा है, एक सेकेंड में चेक कर लेता इसको। चलो छोटा सा ही है, एक काम करते हैं आदि, हाँ सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है मैं तुमको भेज देता हूँ सर। हाँ सर, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर, ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है ना आदि, एक हाँ मिनट में सर, बता देता हूँ तुमको। ये चैप्टर में ना हम लोग हाफ तक पहुँच गए बेटा, ठीक है सर, आधा हो गया अपना, मतलब मेरे ख्याल से और 3-4 लेक्चर लगेगा ना तो हो हाँ जाएगा इसका ना एंड वाला पार्ट, थोड़ा टीडियस है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है उसमें। ठीक चलो है सर, बाय, बाय नोट सर, बना थैंक यू लेना सर, आज ही इसका। हाँ सर, हाँ सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।